नमस्कार, एसडीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के रोशन। आइए देखते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज से चुनावी दौरा बिहार के लिए शुरू हो गया। वे एनडीए के पक्ष में चुनावी सभा करेंगे। उनका यह अभियान कई चरणों का होगा। प्रधानमंत्री मोदी और सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों मंच साझा करेंगे। पहली जनसभा भागलपुर में होगी। कांग्रेसियों का भविष्य आज अति चरम पर माना जा सकता है, क्योंकि राहुल गांधी भी बिहार के भागलपुर में जनसभा को मंच से संबोधित करेंगे। भाजपा के घोषणा पत्र जारी हो जाने के बाद राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि उन्होंने 10 लाख सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। सरकार का 40% फंड हर साल सरेंडर हो जा रहा है। भाजपा ने घोषणा पत्र में 5 लाख महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा है, तो वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा पत्र पेश करते हुए 5 सूत्री लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाया है। जदयू ने भी अपने घोषणा पत्र में युवाओं के कारोबार के लिए 3 लाख अनुदान देने तथा जनहित के कामों को प्राथमिकता देते हुए सभी प्रकार के कदम उठाए हैं। युवा शक्ति ही बिहार की प्रगति है। चुनावी मैदान में सरकार ने अपने माथादों को चुनाव कार्य पर लगाया है। इस हेतु 22 वैसे कर्मियों पर कार्रवाई होगी जिन कर्मियों ने चुनाव प्रशिक्षण के आदेश की अवहेलना की है। कोरोना संक्रमित होने की सूचना देने वाले कर्मचारियों की जांच की जाएगी, ऐसा आदेश पटना डीएम ने दिया है। सूबे में शराबबंदी है, लेकिन चोरी छिपे इस धंधे को कुछ लोग अंजाम दे रहे हैं। इस बीच लगातार शराब का खेप बरामद किया जा रहा है। राजधानी प्रक्षेत्र से लेकर अन्य जिलों में शराब के अवैध धंधेबाजों की धड़कनें तेज हो गई हैं। प्याज की बढ़ती कीमत भी दलों के लिए चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। अनायास लोगों की थाली तक प्याज का नहीं पहुंच पाना सरकार की नाकामी माना जा रहा है। फल, सब्जी एवं अनाज की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि से जनता त्रस्त है। बार बार कोरोना संक्रमण के बारे में हिदायतें दी जा रही है, फिर भी चुनावी सभा के दौरान भीड़ द्वारा कोरोना गाइडलाइन के तहत मास्क नहीं लगाते हुए लोग चुनावी सभा में सोशल डिस्टेंस का भी अनुपालन नहीं कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। पीएम मोदी ने भी इस ओर लोगों का ध्यान खींचा है। पहले चरण के मतदेश का जैसे जैसे दिन करीब आ रहा है, दलों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से बिहार का चुनावी तापमान काफी बढ़ गया है। खबरों के इस सफर में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एसडीएफ न्यूज।